हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पिया नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 16, जिसको आज हम करेंगे। तो 2023 का है, 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन है सब इसमें इंक्लूड है, चाहे वो आर ओ आर ओ के यूपीएससी हो या फिर यूपीएससी यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट एग्जाम के हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे अम्ल क्षार तथा लवण। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से होती है, जिसका अर्थ है खट्टा। इस पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकी कहलाती है। जैसे कि क्षार, सभी क्षारक जल में अघुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशीलता को क्षारक का क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये सब क्षार है। CaOH 2 टेकन ट्वाइस और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षार क्षार क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन प्लस आयन या OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर होता है। तो ये देख लीजिए अम्ल क्षार है, अम्ल का नाम है और उनमें किसमें पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में और साइट्रिक अम्ल नींबू में फल जैसे जैसे नींबू जैसे जो भी फल होते हैं उनमें। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दही में। ऑक्जैलिक अम्ल पालक में, स्कॉर्बिक एसिड आंवला सिट्रस प्लांट में और टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम में आदि में। और क्षारक नाम है जिसमें पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए संयुक्त मार्जक और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम। और अम्ल है क्षार है, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और ये नीली लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उदाहरण है इसका NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है और NH3 का CaOH टेकन ट्वाइस और CH3COH एसिटिक अम्ल का फार्मूला है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH। प्राकृतिक सूचक लिटमस एवं प्राकृतिक रंजक। तो आगे देखेंगे हम, सूचक का नाम है अम्ल के साथ रंग में, क्षार के साथ रंग में परिवर्तन जो होता है। तो जैसे नीला लिटमस विलयन जो होता है लाल रंग में परिवर्तित होता है अम्ल के साथ, और क्षार में रंग में परिवर्तन नहीं होता है। और लाल लिटमस को अगर विलयन में डालेंगे तो अम्ल के साथ कोई प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि क्षार के साथ ये नीले रंग में बदल जाएगा। तो हल्दी को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षार में डालेंगे तो लाल रंग में बदल जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज को अगर लाल रंग में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बदल जाएगा और पीले रंग में परिवर्तित होगा क्षार में डालेंगे तो। नेपथैलिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा अम्ल में, और गुलाबी रंग में हो जाएगा क्षार में। तो उदासीन लवण है प्रबल प्लस प्रबल क्षार, पीएच मान 7 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एंटासिड होते हैं तो ये भस्म होते हैं, एंटासिड भस्म होते हैं, या अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट आदि के अपचयों में मिलकर बने होते हैं अपचयों से। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से मिलाकर बनाया जाता है किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। पीएच एवं मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल में अम्लीय एवं क्षारिकता होने का मूल्यांक। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इनमें प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी तो वह होगी 100 गुना कम हो जाएगी। तो ये फार्मूला इसके द्वारा बताया गया। निम्न से किसका पीएच मान 7 है, तो शुद्ध पानी का, क्षारी विलयन का, उदासीन विलयन का। तो इन दोनों का होता है, उदासीन विलयन का भी है और शुद्ध पानी का पीएच मान इतना होता है। निम्नलिखित में से किस विलयन में पीएच मान का 7 से अधिक है, तो जो अधिक होगा क्षारी होगा। और एक विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच कितना होगा, तो लाल लिटमस को नीला करेगा तो इसका पीएच जो होगा कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा, मतलब तो क्षारीय होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है, तो वह है 6। और रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो अम्ल वर्षा में होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और अम्ल वर्षा का के घटक क्या है, तो अभी आपने पढ़ा सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड एसिड भी है, HNO3 भी है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो इसमें होता है नाइट्रिक अम्ल। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है, जल अपघटन होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसे लुईस अम्ल नहीं है, लुईस से एक क्षार है जो इसे यौगिक लुईस अम्ल है। ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, दोनों के दोनों सही होते हैं, इसलिए पहले मिलाया जाता है क्या, पानी में अम्ल। और सोने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। और जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक में ऑक्सीजन नहीं है। और एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देता है, ये अज्ञात गैस क्या है? तो है अमोनिया। और ये मिलान करना है तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वाशिंग पाउडर निर्मा यह है सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, ऑप्शन सी नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड सही है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, बल्कि ये होता है प्लास्टर ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और वाशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सही है सब। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका? कॉपर सल्फेट का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है? कॉपर सल्फेट है। फिर है मिलान करना है, वाशिंग सोडा का नाम अभी आपको बताया गया, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है। सोडियम हाइपो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी नेक्स्ट है। ये भी मिलान करना है, ये है नीला थोथा कॉपर सल्फेट और एप्सम सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी। और खाने का सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NHOCO3। बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा है NHCO3। धोने की सोडा धोने वाला जो सोडा होता है, कपड़े धोने वाला, उसका फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है, अग्निशामक में पाक सोडा का प्रयोग होता है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन केवर संयंत्र में होता है, दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन डी। ये मिलान करना है तो कृत्रिम रूप में फलों में पकाया जाता है सोडियम सिलिकेट के द्वारा, फलों को पकाने के लिए यूज होता है एथिलीन का, सॉरी, और बेकिंग सोडा का यूज होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पेय क्या होता है? शीतल पेय होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्वार्ट्ज क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। तो ऑप्शन हो गया बी, यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल बने होते हैं, ये बने होते हैं ऑप्शन बी, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। और निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में नहीं करना चाहिए? तो सभी चार विकल्प दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, ये सभी लवण आयोडीन युक्त होते हैं। आयोडीन निकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। और निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेरियम तथा ट्रांसीजियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये गलत है, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिए। और विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में ये अधिक विलेय है, गलत है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक, इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। नेक्स्ट है,
ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो वह होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या होता है? CO2 गैस। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करते हैं सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन फोटोग्राफी तथा तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह है सोडियम थायोसल्फेट। तो अगला है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, वह है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट का निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में होता है? तो कैलोमेल का होता है। तो कैलोमेल ही है ना? नहीं, 1 मिनट, ये है जिंक ऑक्साइड, सॉरी, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांच को नीला नीला रंग प्रदान करता है? तो वह है कोबाल्ट ऑक्साइड। और यानी यौगिक संबंधित है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो गलत है और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो एल्केन, एल्काइन, बहुत कुछ है। अगर आपने केमिस्ट्री अभी पढ़ा नहीं तो कैसे मैं बताऊं? फिलहाल आप क्वेश्चन के थ्रू इसको कर लीजिए। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थिति में निम्नलिखित में से प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वह मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन, एमिनो अम्ल। ठीक है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या होता है? कार्बन। निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो वह मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन है। फार्मूला है मेथेन का, एथेन का, इसमें C2 हो जाएगा, C3H8, तो दो दो बढ़ जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? जो दो बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं एल्कीन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो होती है ब्यूटेन। तो भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के वजह से भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, ये मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव की वजह से भोपाल गैस त्रासदी कौन से 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी? और छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो होती है मेथेन से। मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो धान का खेत है। तो मिलान करना है, देखना है कौन सा सही है। तो बायोगैस कीटनाशी नहीं होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विकार के लिए होता है, DDT गोबर में नहीं होता है, निकोटीन तंबाकू से होता है। सही है, दो सही है, मतलब दो चार सही है। संडे, निम्नलिखित में से कौन रसायन फल पकाने में सहायता करती है? तो वह है इथेफॉन। और निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के उपयोग में लाया जाता है? तो वह है कैल्शियम कार्बाइड। और हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न होता है एसिटिलीन से। निम्नलिखित में कौन फल को पकाने बढ़ावा देता है? तो वह है एथिलीन। निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो वह है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त होता है। तो यह 1-2 सही है, तीसरा गलत है। अगला है, बेंजीन के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बांड होते हैं, ये सही है। और बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो ये होती है 12 और 3। अब एल्कोहल है, एल्कोहल सभी जानते होंगे, मतलब सभी तो जानते होंगे, पीते भले नहीं हो। तो इसका फार्मूला होता है C2H5OH, इसको CH3OH भी बोलते हैं। तो फार्मूला है मेथिल एल्कोहल का CH3OH और एथिल एल्कोहल का CH3CH2OH, और इस तरह से CH3CH2CH2OH एन प्रोफाइल का, तो इस तरह पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन के थ्रू मैं करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल में मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, वो मिलाकर निम्न में मिलाकर किसको? मेथेनॉल और
पीरिडीन को। तो उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है के हानिकारक पदार्थ है वह मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल एक रंगीन द्रव है जो जल में हर अनुपात में घुलनशील है। शराब की भांति तीखी अपरी गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसे के अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा सेवन हेतु मृत्यु भी हो सकती है। तो मेथिल अल्कोहल मत लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वो मेथिल अल्कोहल को शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो वो जाइमेज द्वारा। नेक्स्ट है जी, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उच्च कच्चा माल है? तो वह है एल्कोहल के उत्पादन के लिए। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो उस पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो उस पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर एनालाइजर ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। नेक्स्ट है बहुलक। तो बहुलक जो होता है चार मुख्य उद्योगों जैसे प्लास्टिक प्रत्यस्था और बहुलक रेसो एवं पेटेंट वार्निश के लिए होता है। प्राकृतिक बहुलक, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक बहुलक है किसका? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रोसिन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बहुलक मतलब ऐसे से कई लोग जुड़ के एक श्रृंखला बनाते हैं इसको बहुलक बोलते हैं। तो वह है आइसोप्रोपीन का। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो वह है नाइलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो वह है रेशम। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो घी बहुलक नहीं है। तो सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, तो दोनों में प्लस ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं, नहीं प्लस माइनस ग्लूकोज होते हैं सेलुलोज स्टार्च में। निम्नलिखित में से कार्बन पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता पाया जाता है? तो वह सेलुलोज। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज संबंधित है? तो सेलुलोज शर्करा में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सेलुलोज रेशे का उदाहरण है? तो वह नायलॉन। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो इसमें से गलत जो कथन है वो है एक्रिलिन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुलक है थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो वह है नियोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन बहुलक जैव निम्नीकरण में किया जा सकता है? तो वह है पीवीसी। निम्नलिखित में किसका उपयोग पॉलिथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो पॉलिथीन एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है, अतः पॉलिथीन एथिलीन का बहुलक होता है। पॉलिथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो वह होता है एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वह होती है पॉली एथिलीन। पॉली एथिलीन टेरिफ्थलेन संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग। निम्नलिखित में से विचार कीजिए किसके लिए है? तो इसके तंतुओं का ऊन और कपास के तंतुओं के उनके गुणधर्मों के प्रबल हेतु सम्मिश्र किया जा सकता है, और ये पहला सही है। और इससे बने पात्र को किसी भी मादक पेय में रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, गलत है। इससे बनी बोतल को पुनर्चक्रण उससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, ये सही है। तो पहला तीसरा सही है, बाकी गलत है। 2022 पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग होता है? तो वह है पॉलीएमाइड। और बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है केवलर में। और बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो वो होता है पॉलीएमाइड। इसको आपका बुलेट प्रूफ बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वह है पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लैमिनेटेड कांच। अगला है निम्नलिखित में से किस बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो किया जाता है केवलर का और लेक्सान का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लान तथा डेक्रान बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, पॉलिथीन एथिलीन की बहुलक है, और प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है, ऑप्शन ए। अगला है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं वह है टेफ्लॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुलकों में किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? तो वह है टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक फ्राइंग कड़ाही में लेप लगा होता है किसका? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या होता है? फ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो वह है टेट्रा फ्लोरेस्टीलीन का। टेफ्लॉन का समानांतर नाम क्या है?
इसका नाम क्या है, जिसका नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो फ्लोरो एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है, तो वह कैप्रोलेक्टस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो वह है फाइब्रो फाइब्रोइन। बिस्मिनॉल जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है, तो वह है पॉलीकार्बोनेट। बिस्फेनॉल क्या है, तो बिस्फेनॉल है एक खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो है बेकेलाइट के। बेकेलाइट निम्नलिखित संघनन से बनता है, तो बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वीडियो पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब करें, वैसे भी ये काला काला हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे।